सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा स्टेप कुर्ती की स्टिचिंग की वीडियो कि आप उसे किस तरीके से सिलेंगे। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी स्टेप वाली कुर्ती जिसकी आपको मैं आज स्टिचिंग सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपने इसकी कटिंग अभी तक नहीं देखी तो आई लिंक पे क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से कटिंग करा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने वाली जो आपको बात बताऊँगा, यहाँ पर देखिए, हमने आठ इंच का हमारा मार्जन था, हमने एक पैर का मार्जन छोड़ा है क्योंकि हमारा यहाँ पर पूरे में इक्वल एक पैर का मार्जन है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर जो है मार्जन कटिंग कर दिया है। इसलिए कटिंग कराएं क्योंकि जो हमारी स्टेप होती है, जैसे हमारी इतनी गैपिंग थी कटिंग वाली वीडियो में, हमारी इतनी गैपिंग थी, ध्यान से देखें। अब यहाँ पे हमें कंधी में भी आधा इंच देना होता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमने एक पैर कटिंग कर दिया। अब एक पैर में हम अपनी स्टेप जोड़ेंगे, जो गुम स्टेप होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो आधा इंच कंधी में जाता था वो हमारा आधा इंच यहाँ पर कवर हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हमने ये कटिंग कर दिया था। तो अब हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फ्रंट वाला हिस्सा आपको उठाना है और जैसे निशान यहाँ पर सेम आपको फिटिंग के लगे बिल्कुल आप इस तरीके से लगाते हुए उंगली, ये देखिए उंगली की मदद से इस तरीके से निशान यहाँ पे आप लगा लेंगे। दो तीन निशान लगाने के बाद अगर आपके पास सेफ फट्टी है तो आप इसे सेफ फट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, सेफ फट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास गरारी है, ठीक है, तो आप गरारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि गरारी से निशान बिल्कुल इक्वल उठ जाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टेप जो आपकी स्टेप वाली कुर्ती होगी उसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखें, ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा है, इसे इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप इसे इस तरीके से नापें, ये आपकी आ रही है 24 इंच, ठीक है। आप 25 इंच के आसपास की पेपर पेस्टिंग कटिंग करनी है लंबाई में। चौड़ाई कितनी रखनी है आपको दोस्तों, 4 इंच की आप इसकी चौड़ाई रखेंगे, 4 इंच की चौड़ाई, 25 इंच की लंबाई में आपको एक पेपर पेस्टिंग कटिंग करनी है और अपने सेम कपड़े पे दोस्तों आपको चिपका लेनी है। ये तो आपको एक काम ये करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो मेन काम करना है वो क्या होगा, एक पट्टी हम इसमें से लेंगे, बाकी हमारी सेम एक जैसी कटी हम इसे हटा देंगे। इतना कपड़ा जो बचा है दोस्तों, इसके अंदर आपको बिना जोड़ की दोस्तों पट्टी लेनी है। इस पट्टी की लेंथ हम नापेंगे, ये हमें बिल्कुल दोस्तों तैयार चाहिए। तो देखिए कितना है, ये अपना 4.5 है, तो हमें 4.5 इंच की पट्टी दोस्तों तैयार चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये आपकी एक मोड़ने के बाद 4.5 है, अगर आप इसे इस तरीके से खोलेंगे पूरी को तो आपके 4.5 9.5 इंच हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे 11 22 इंच की दोस्तों एक 2 इंच की पट्टी तैयार करनी पड़ेगी। किस तरीके से तैयार करेंगे मैं आपको बताता हूँ, इसको हम अलग रख देते हैं, इसका मेथड मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप तकरीबन 22 इंच की इसमें से दोस्तों पट्टी कटिंग कर लेंगे। देखिए झोल है तो आप इसे जो है प्रेस की मदद से इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप इसे साफ़ कर लें और जो आप कटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर 5 इंच के आसपास इस तरीके से निशान लगा लें। ये आपका निशान लग गया और दोस्तों आपको 22 इंच तक इसे कटिंग कर लेना है, ऊपर भी कर सकते हैं, कम ना करें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यह कटिंग कर लिया। अब इसकी स्टेप आपको मैं पलट के बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी स्टेप पलटेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप इसे इस तरीके से कर लें, अगर आपका प्रेस गर्म है तो आप हल्की हल्की सी से प्रेस लगा लें ताकि ये जो है आपका मार्जिन थोड़ा बैठ जाए, ठीक है, ज़्यादा ना बैठे, नॉर्मल आपका मार्जिन बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा मार्जिन बैठ चुका है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपका मार्जिन बैठ जाएगा तो 2 इंच की स्टेप पट्टी लेनी है आपको। आपको यहाँ पर 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, हल्का सा दोस्तों, हल्का सा, ज़्यादा ही लगा लें आप क्योंकि पलटते टाइम आपकी हल्की सी कम हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। दोनों निशान लगाने के बाद अपनी फुट्टे की मदद से इसे सीधा कर लेंगे हम। दोस्तों सीधा करने के बाद 22 इंच आपको बोला था, 24 इंच कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा। अब दोस्तों इसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद पलटेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको पलट के दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पट्टी है, इसे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और जो ये आपका मार्जिन है आपको कुछ नहीं करना है, इस मार्जिन को इतना इतना कटिंग कर लेना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ।
ये देखिए दोस्तों हमने मॉडर्न कटिंग कर लिया। अब आप इसे पट्टी को इस तरीके से लेना है, देखिए जैसे मैं ले रहा हूँ, आप इस पट्टी को ऐसे लेने के बाद, ये हमारा प्लेन कपड़ा है, अगर आपका कपड़े के अंदर सीधा उल्टा है तो अंदर की तरफ आपको सीधा रखना है। आप इसे इस तरीके लेके हल्का नाखून लगाएं, नाखून लगाने का दोस्तों आप इसे देखिए प्रेस इस तरीके से रखना है और इस जोड़ों को जो है आपको चीरना है। तो इतना कपड़ा आप छोड़ेंगे कटिंग करते हो कि आप जोड़ इसमें चीर पाएँ, ये नहीं कि आप पूरा बिल्कुल बराबर से हल्का सा छोड़ के कटिंग करें, इसलिए आप इसे इस तरीके से दोस्तों प्रेस लगा लें। ये देखिए आपका मार्जिन बैठ गया, इसी तरीके से पूरा मार्जिन बिठा लें। तो देखिए दोस्तों हमने मार्जिन जो है चीर लिया है। अब आप पेंचकस की मदद से, क्योंकि चौड़ा है ये काफ़ी, पेंचकस की मदद से इस तरीके से देखिए, क्योंकि अगर हम ये वाला हिस्सा डालेंगे तो कपड़ा फाड़ सकता है। आप इसे इस तरीके से रख के इसे पलट लें, पूरे पट्टी को पलट लेंगे। ये देखिए आपका निकल गया, यहाँ पर आप इसे पकड़ लेंगे और इसे जो है पलट लेंगे इस तरीके से, देखिए आपका ये पलट जाएगा। पलटने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जो हमने यहाँ पे मार्जिन चीरा था, आपको दिखाया था जो मार्जिन चीरा था, उसे बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे। ये देखिए चीरने वाला जो है निशान, वो आपका ये है, इसे बिल्कुल सेंटर में कर लें इस तरीके से फिनिशिंग के साथ, और इस पर दोस्तों आप प्रेस लगा लेंगे। ठीक है, ये जितने भी आपकी क्रीज हैं ये सारी की सारी फिनिश हो जाएगी। तो आप इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे, और अगर हल्का कपड़ा हो, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हल्का कपड़ा तो दोस्तों ये आपको किनारे पे करना पड़ेगा इधर, ठीक है, दोनों तरफ सिलाई लगा लें, क्योंकि हल्का कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे मोटा है तो ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन हल्का है तो आपका ये नज़र आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये देखिए आप बिल्कुल सेम जैसे आपको बताया, आप इसे प्रेस कर लें। तो दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ इसे प्रेस कर लिया। अब आप इसे इस तरीके से ऐसे करें, और निशान ज़रूर लगा देता हूँ मैं, जिससे आपको पता रहेगा ये हमारी उल्टी साइड है, जो निशान लगा रहा हूँ ये उल्टी साइड है। आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लें, फिर आप इसे देखिए उल्टी साइड वाला हिस्सा है, आप इसे ऐसे करें, इसे बराबर से रखेंगे और इस पर दोस्तों प्रेस कर लेंगे, इस तरीके से प्रेस कर लें। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रेस कर लिया। अब इसी तरीके से दोस्तों जो दूसरा हिस्सा है आप उस पर भी जो है प्रेस कर लेंगे। सीधे वाला हिस्सा आपका अंदर रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये देखिए हमने इस पर भी प्रेस कर लेनी है। ये स्टेप दोस्तों आपको फिनिशिंग से पलटने होंगे, क्योंकि यही आपका जो है बहुत मेन काम होता है, और ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पतला हो, एक जो हल्का फर्क, हल्का पुल्का फर्क तो हो जाता है, लेकिन 2 इंच हमने बोला था, तो देखिए 2 इंच एक सूत है, इतना फ़र्क चल जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका 2.5-2.5 इंच के आसपास जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब आपको क्या करना है, सिंपल बिल्कुल भी नापने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी पट्टी थी आप उसे इस तरीके से ऊपर से बराबर करके रखेंगे। देखिए ध्यान से, ऊपर से आपको बराबर करके रखना है, और नीचे की तरफ से एक पैर के मार्जिन के हिसाब से आप इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आप इसे इस तरीके से एक पैर के मार्जिन के हिसाब से कटिंग कर लेंगे इक्वल। तो ये देखिए दोस्तों हमने एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसे कटिंग कर लिया। अब हमारा ये मैप जो भी नाप है इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी जो स्टेप बिल्कुल ओके आ गई है। ये मार्जिन के साथ हम इसे एडजस्ट करना आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया स्टेप जो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपको बताया था 25 इंच की लंबाई और 4 इंच की चौड़ाई में आप पेपर पेस्टिंग चिपका लें, तो पहले आप पेपर पेस्टिंग चिपकाएं, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ उसका। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो है पेपर पेस्टिंग भी चिपका ली है। जरूरी नहीं है कि आपको 4.5 में चिपकानी है, आप थोड़ी एक्स्ट्रा भी लंबी भी चिपका सकते हैं और चौड़ी भी चिपका सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये बाद में कटी जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल फिक्स ही चिपकाएं। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल आप इसे इस तरीके से रखेंगे जैसे इसे मैंने रखा है। ठीक है, रखने के बाद आप हल्की हल्की इस पर प्रेस मार लें इस तरीके से। ये बिल्कुल सेम है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक निशान लगाना है इस तरीके से। और ये निशान हम क्यों लगाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आपने निशान लगा लिए इस तरीके से, ये आपके यहाँ पे निशान हो गए। तो दोस्तों ये निशान लगने के बाद आप जब जोड़ेंगे इसे तो बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, सिंपल और बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपके फ्रंट वाली साइड है, इससे आप इसे इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इसे इस तरीके से रखने के बाद ये जो आपकी स्टेप पट्टी है और जो निशान आप देख रहे हैं, जो निशान आप देख रहे हैं ये आपका जो है उल्टी साइड है। तो आप इसे देखिए इस तरीके से आपको रखना है, देखिए इस तरीके से आपको रखना है, गले के पास बिल्कुल मिला के रखना है। ठीक है, मुड्ढे की साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गले की साइड आपको मिला के रखना है, और इसे आप जो है एक सिलाई लगा के इस तरीके से जोड़ लेंगे। दोनों साइड में आपको इधर भी सेम इस तरीके से रखना है, ठीक है, मिला के,
और मिला के रखने का दोस्तों आप इस दोनों को सिलाई लगा लें, और ये उल्टी साइड होनी चाहिए आपकी इस तरीके से, जिसके बाद जब हम जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए मशीन की तरफ चलते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं, फिर आपको जो निशान लगाएं उसे पलटने का सिखाते हैं कि किस तरीके से पलटा जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले इसे बराबर से मिला के इसे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी पट्टी को यहाँ पे रखना है और इस पर भी सिलाई लगा के इस पट्टी को भी जमा लेना है। तो चलिए इसे भी हम जमा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत जो है ये जो फिनिशिंग वाला काम होता है इसमें आपको क्या करना है, हमें एक पैर के मार्जिन से चलना है। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर एक पैर का मार्जिन तो यहाँ भी आ रहा है आपका, ठीक है, आपका यहाँ भी एक पैर का मार्जिन आएगा। तो आप इसे इस तरीके से आपको लेके पूरा पलट लेना है। तो उसके लिए हमने जो निशान लगाए थे तो अब हम उसे सबसे पहले इस तरीके से रखेंगे। देखिए मैंने ये रख दिया, अब आप इसे देखिए पट्टी को उल्टी तरफ हो जाएगा और उल्टी तरफ से आपको ये रख के जमाना है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो आप स्टार्ट करेंगे आप वहाँ से इसे नापें। ये देखिए ये जो निशान हमने लगाए थे ये ऑटोमेटिक इसे मिलाएंगे तो आपके सारे निशान एक बराबर से ही दिखाने लगेगा। ये देखिए आपका मिल के आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक पैर के मार्जिन से जो आपका ये बूट होता है इसके एक पैर के मार्जिन से इसे सिलाई लगाना है इस तरीके से, और इस निशान से आपको इस तरीके से मिलाना है। ध्यान से ध्यान रखें ये निशान आपको इस तरीके से मिलाना है, जिससे मिलाने के बाद दोस्तों आपका ये इक्वल आ जाएगा। और नीचे वाली जो पट्टी है उसका ख्याल रखना है कि वो सिलाई में दबने ना पाए, और इसे इस तरीके से सेट करते हुए देखिए ये सेट कर दिया। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे, एक पैर के मार्जिन सिलाई लगाते हुए आप यहाँ पर आएँ, यहाँ भी आपको एक पैर का मार्जिन लेना है तो इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने का दोस्तों आप इसे ऐसे घुमा लें, घुमाने का जो पट्टी होगी उसे थोड़ा हिसाब से साइड में कर सकते हैं हम कि आपकी पट्टी दबनी नहीं चाहिए, ठीक है। और आप इसे सिलाई लगाते हुए नीचे आएंगे एक पैर के मार्जिन से, और फिर आप इसे ऐसे घुमाएं, घुमाने का जो निशान यहाँ पे लगाया था अब इस निशान से इस निशान को मिला लें। ये देखिए ये भी मिल के आ गया इक्वल, इस पर भी सिलाई लगा लें एक पैर की। अब ये जो पट्टी थी इसे भी नीचे की तरफ कर दें, और नीचे की तरफ करने के बाद सिंपल दोस्तों आपको भी यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से रखना है, जो निशान यहाँ पर आ रहा है आप इसे भी मिला लें और इस पर भी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें जो नीचे पट्टी है वो आपके सिलाई में दबनी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस पट्टी को हल्का सा नीचे की तरफ से खींच के आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। जब यहाँ पर एक पैर का मार्जिन हो तो आप अपनी पट्टी को जो है सीधा कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि पट्टी में झोल ना पड़े और बिल्कुल इक्वल आ जाए। और ये देखिए निशान आपके ऑटोमेटिक बैठते हुए आ रहे हैं। फिर आप इसे सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे जब एक पैर का मार्जिन बचेगा फिर आप इसे ऐसे घुमा लें, और ये जो निशान है जितने भी दोस्तों आप इसे इस तरीके से एक पैर के मार्जिन से बिल्कुल सिलाई लगाते हुए मशीन उतार देंगे। ये देखें ये हमने यहाँ पे मशीन उतार दी, बिल्कुल इक्वल दोस्तों एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हमने सारा काम कर लिया। अब इसे हम बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे पूरा का पूरा। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो है पूरा का पूरा इक्वली से कटिंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल गोलाई में जो है कटिंग करना है, और जहाँ जहाँ हमें कट की ज़रूरत है वहाँ हम कट लगा लेंगे। तो चलिए इसे हम इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कट लगाने के बाद अब आप इसे देखिए काउंटर पर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, इसे इस तरीके से उठाना है और इतना इतना कटिंग कर लेना है, इक्वल कटिंग करना है बिल्कुल, ठीक है। और ध्यान रखें जब कैंची चलाएं तो ये जो पट्टी है आपकी ये हाथ नहीं आनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप इस पट्टी को कटिंग कर दें। आप इसे कटिंग करते ऊपर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर कटिंग कर ली आपने। अब जब ऊपर की साइड से भी आपको बराबर रखना है तो इसे भी कटिंग करेंगे, यहाँ भी कटिंग कर ली। अब यहाँ से भी आपको इस तरीके से कटिंग करना है, तो दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पर इसे कटिंग कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे भी कटिंग करेंगे, कटिंग करने का दोस्तों बिल्कुल सेम यहाँ पे इसे कटिंग करते हो पूरा कट कर लें। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से कट लगाना है एक पैर के, जिससे कि हम इसे पलट पाएँ, और सेम कट आपको इस जगह पर भी लगाना है इस तरीके से। ये कट क्यों लगाया जा रहा है आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको सेम कट लगाना है,
और यहाँ पर भी आपको सेम कट लगाना है इस तरीके से। दोस्तों ये कट लग गया, अब आपका जो ये वाला हिस्सा होगा इसे आप ऐसे पलटेंगे इस तरीके से और अपनी स्टेप वाले हिस्से को इस तरीके से खींचेंगे। तो ये देखिए दोस्तों आपका जो है गुम स्टेप इस तरीके से निकल आएगा। ये आपकी स्टेप जो है पूरी की पूरी जो हमने बनाई थी पूरी की पूरी गुम हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ वाली स्टेप को भी निकाल लेंगे। जब आप इसे खींचेंगे ना दोस्तों तो ये आपकी ऑटोमेटिक जो है गुम स्टेप बन जाएगी इस तरीके से और आपकी निकल के आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसे हम अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जो है इसे पलटने के बाद इस पर प्रेस लगा ली और आप प्रेस लगाने का देखेंगे इस तरीके से आपकी पट्टी आ जाएगी। नीचे की तरफ आपका उल्टा हो जाएगा, ऊपर की तरफ आपका ये हो जाएगा। और दोस्तों देखिए क्या होता है, देखिए हल्की सी स्टेप वाली में अगर आप गुम बनाना चाहते हैं पट्टी को तो हल्की कमी जो है आपकी फिनिशिंग ख़राब कर देती है, जो कि इसमें मेरे साथ हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसा नहीं है किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको दिखानी ज़रूरी है जिससे कि आप गलती ना करें, क्योंकि हम खोल के इसे ठीक कर सकते हैं। देखिए इसमें हमें जो पट्टी रखनी थी वो रखनी थी 2 इंच की, और हमने कितनी रखी, 2 इंच 1 सूत। एक सूत से क्या फ़र्क हुआ, आप देखिए यहाँ का हमारा बिल्कुल इक्वल बैठा है, यहाँ पे आप देखेंगे चुन्नट आ गया। अगर ये एक सूत नहीं होता तो हमारा ये चुन्नट नहीं आता। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी देखिए हल्का हल्का फ़र्क आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती है। और आप इसको इसे उल्टा करके दिखाता हूँ इस तरीके से। दोस्तों हमने प्रेस से देखिए इसे सेट कर लिया था, अब ये जितनी भी चीज़ें हम इसे इस तरीके से पलटेंगे। ठीक है, ये होता है गुम वाला हिस्सा। इसमें देखिए आपके कुछ पट्टी नज़र नहीं आ रही, ये आपका गुम तरीका मैंने बताया है। अब इसके अंदर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जो कि होगा आपका जल्दी वाला और वो गुम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप उसे बना सकते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो गुम नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर ओवरलॉक करके पट्टी को डायरेक्ट अटैच कर लिया जाता है। तो दोस्तों वो तरीका क्या है, तो चलिए मैं आपको उससे बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको ये जो है फोल्ड करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसे फोल्ड करेंगे, इक्वल आना चाहिए आपका फिनिशिंग के साथ। तो चलिए मशीन की तरफ आपको ये पलट के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब आपका ये इस तरीके से था, आप इसे ऐसे कर लें और इस पे जो है इतना इतना मोड़ना है आपको। ये आपको कहाँ से मोड़ना है मैं बता दूंगा अभी, पहले आप इस पर सिलाई लगा लें थोड़ा। आपको इक्वल कटिंग करने का ये वाला हिस्से से आपको नापना पड़ता है। जब आप इसे ऐसे मोड़ेंगे तो आपको ये हिस्सा कवर करना होता है कि इक्वल दिख रहा है कि नहीं। इसे दिख रहा है तो आप इसे इस तरीके से मोड़ते चले हैं, और देखिए आप इसे इस तरीके से गोलाई में मोड़ते चले आएंगे और ये मुड़ता चले आएगा, क्योंकि पेस्टिंग वाला हिस्सा है वो फिनिशिंग से आपका मुड़ता चले आएगा। तो चलिए दोस्तों आप इसे इस तरीके से मोड़ लें। और देखिए दोस्तों जब आपका यहाँ पर जो कट लगाए थे हमने, यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा दिखाने में मुश्किल होगा आपको, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कट से आप इसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मुड़ गया आपका ये पूरा। इसे इस तरीके से सिलाई लगा लें, फिर ये वाला हिस्सा जो था दोस्तों आपको ये हिस्सा भी ऐसे मोड़ना है आपको। ठीक है, ये मोड़ने का इस पर भी सिलाई लगाएं। यहाँ सिलाई लगाने का दोस्तों ये वाला जो हिस्सा आएगा आपका, अब जो ये हिस्सा आएगा आप इसे ऐसे पलटें, इसमें सिलाई लगाएं। ठीक है, फिर नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से पलटेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सेम दोस्तों आपको बिल्कुल जैसे हमने यहाँ तक मोड़ा है आपको बिल्कुल वैसे ही देखिए यहाँ पे हमने मोड़ दिया, ये देखिए इस तरीके से दिखेगा आपका। ठीक है, अब आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही सेम मोड़ लेना पूरा का पूरा और आपका ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, अब यहाँ पे हमारी तुरपाई हो जाएगी और ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो एक तरीका था। ठीक है, आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप इसे इस तरीके से सीधा करें और सीधा करने के बाद ये जो फालतू का निकल रहा है आपका, आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग कर लेंगे। तो ये तो आपको मैंने बता दिया एक तरीका जो कि फिनिशिंग में है, दूसरा भी आपको बताऊंगा उसमें भी इतनी फिनिशिंग है, लेकिन उसमें स्टेप पट्टी कच्ची लगेगी, जैसे इसमें गुम लगी है ना उसमें कच्ची लगेगी। तो उससे उसके लिए क्या करना है हमें, तो देखिए हमने जो ये चिपकाया था, ठीक है, इसकी मदद तो हमें लेनी है क्योंकि हमें चिपकाना होगा। और दोस्तों कई लोग जो हैं इसके अंदर फालस पट्टी से भी लगा लेते हैं, हम इसमें भी फालस पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन फालस पट्टी का थोड़ा फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए जो है आप पेपर पेस्टिंग से जो तरीका बता रहा हूँ वह यूज़ करें। इससे क्या होगा आपका फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अब देखिए आप इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद आप इस पर इस तरीके से दोस्तों पहले प्रेस कर लें, ध्यान से देखिए प्रेस कर लें। अब मैं आपको बताऊँगा ये तरीका। सबसे पहले आप इसे देखिए इस तरीके से बराबर से कटिंग कर लेंगे, जैसे भी आपका ये जा रहा है ना, आपको पेपर पेस्टिंग इस तरीके से बराबर से इक्वल कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो ये तरीका आजमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सेम बिल्कुल हम इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने दोस्तों इक्वली से कटिंग कर लिया। अब हम अपने ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले आपको ये निशान लगा के दिखा देता हूँ, ये हमारी उल्टी साइड है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, हमारा जो नीचे कटा हुआ है आप इसे इस तरीके से देखिए मिलाएं।
ठीक है, क्योंकि हमारा ये इक्वल है तो इक्वल ही आएगा। अब मिलाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये प्रेस लगा लेनी है। और दोस्तों यहाँ से हमने बाद में कटिंग कर रहा था, अगर आपको दिक्कत होती तो आप इसे पहले से पहले कटिंग कर सकते हैं, एक बराबर आप इसे कटिंग कर लें। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसे इक्वल कटिंग कर लिया है, ठीक है। अगर आपको नी बीस लगता है आप उसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो है पलटने के लिए इस तरीके से कट लगा लिए। तो चलिए मशीन की तरफ, हम पहले इसे फिनिश कर लेंगे उसके बाद इसको पलटने के लिए लगाएंगे सिलाई। तो देखिए दोस्तों आप इसे इस तरीके से पलटें, ये पहले से पलट लें और इस पर सिलाई लगाएं और इसको फिनिश करते हुए चलेंगे। दोस्तों बस जैसे हमने ये सिलाई लगाई है, यहाँ पर आप इसे ऐसे मोड़ लें इसको, तो ये भी आपका मुड़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप पूरी पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, सेम आपको इसी तरीके से दोस्तों मोड़ते हुए पूरी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से पलट लिया है। अब आप इसे ऐसे करें, ऐसे करने के बाद ये देखिए हमने निशान लगा लिया था सीधे उल्टे का। आप इसे बिल्कुल एक बराबर इक्वल इस तरीके से रखना है आपको कपड़ा, और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से दोस्तों पूरा का पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने अपने पहले वाले पे लगाया था, लेकिन इसके अंदर हम पट्टी नहीं रखेंगे, नॉर्मल आपको ये पलटना है। तो चलिए दोस्तों इस पे सिलाई लगा के हम आपको पलटना बताते हैं कि किस तरीके से आप इसे पलटेंगे फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली और यहाँ पर हमने कट भी लगा ली है, ठीक है। कट लगाने के बाद अब आप इसे इस तरीके से पलटेंगे जैसे हमने पहले वाला पलटा था, उसके अंदर हमारी स्टेप पट्टी थी इसलिए हमने डायरेक्ट खींच लिया था, लेकिन यहाँ पे आप कैसे पलटेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसे इस तरीके से आप पलट दें अंदर की तरफ, और नोक वाली जगह पे देखिए अंदर की तरफ आपको एक सिलाई दिखती होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ सिलाई दिख रही है जहाँ पर मेरी कैंची की नोक है, ये देखिए दिख रही है आपको सिलाई, ये हमारी कैंची की नोक है, यहाँ पर हमारी नोक वाला हिस्सा। ये आप इसे अंदर की तरफ ऐसे करेंगे तो ये देखिए आपके यहाँ पर नोक निकल आएगी फिनिशिंग से। इसी तरीके से आप अपनी सारी नोक निकाल लें। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसे पहले से पहले पलटने के बाद अब इसको फिक्स पलट लिया है, मैं आपको सीधा करके भी दिखा देता हूँ, ये आपका इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है तो चलिए मशीन की तरफ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी स्टेप थी वो अब आपकी यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ा था जो आपको बताया था, ठीक है। ये आपको एक पैर का यहाँ पर निशान लगा के दिखा देता हूँ मैं, हमने सिर्फ इतना मार्जिन छोड़ा था, लेकिन आप कभी भी ये बनाएंगे तो आपको यहाँ पर करीब आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है या एक इंच का छोड़ना है, और उसको पक्का कर लेंगे या तो ओवरलॉक कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, सिंपल आपको इस तरीके से देखना है कि ये आपका इक्वल आ जाएगा या नहीं, ये वाले दोनों हिस्से आपके एक जैसे होने चाहिए। फिर आप इसे देखिए यहाँ पर इसे इस तरीके से आपको बिठाना है, ये आपका बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसे इस तरीके से आप बिठाएँ, ठीक है। हमने तो एक पैर का मार्जिन लिया था, इसे ऐसे बिठाने के बाद इस पर दोस्तों सिलाई लगाएंगे और इसको जो अच्छी तरीके से पक्का कर देंगे, ठीक है। ये है कच्ची लब वाला होता है, और ये भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये देखिए इसे इस तरीके से करके सिलाई लगानी है, ये देखिए एक सिलाई में आपका इसका काम हो जाएगा और ये आपकी जो है स्टेप जुड़ जाएगी, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए स्टेप यहाँ पे आपकी फिनिशिंग भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपके वहाँ पर 19-20 था, आप इस तरीके से बनाएंगे फिनिशिंग भी आएगी। आपका ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को आप थोड़ा बढ़ा लें या ओवरलॉक कर लें, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप अपने कच्ची लब का भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल सेम अब आप अपना दूसरी साइड वाले को भी जोड़ दें, जैसे हमने इसको जोड़ा है बिल्कुल उतने मार्जिन से आप इसको भी जोड़ देंगे। तो चलिए इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जो है यहाँ पर इसे इस तरीके से जोड़ दिया है, अब आप इसे इस तरीके से मिला लें, ये देखिए जैसे आप अपने जोड़ते हैं ना साइड, आप इसे अच्छी तरीके से पहले मिला लें। तो देखिए दोस्तों आप इसे इस तरीके से जब कर लेंगे तो ये आपकी स्टेप पट्टी इस तरीके से दिखेगी, और ये आपका मार्जिन वाला हिस्सा हो गया। जब आपका इक्वल आएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका देखिए निशान दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे निशान होगा फिटिंग का। यहाँ पर आप दोस्तों अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से निशान लगाएंगे दोस्तों, आप इसे पक्का कर लें और अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लें। जो भी यहाँ पर दोस्तों फालतू मार्जिन है आप इसे कटिंग कर लें, जिससे कि ओवरलॉक करने में आसानी रहे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आप इसे एक तरफ जोड़ लेंगे तो दूसरी तरफ आपको इस तरीके से मिलाना है, और मिलाने का दोस्तों आप इसे ऐसे पकड़ते हुए आएंगे इस तरीके से, क्योंकि हल्का 19-20 हो सकता है ऊपर की साइड में, तो आपको इक्वल पकड़ के आना है। और पकड़ के आने का दोस्तों यहाँ पर आप इसे पक्का करेंगे, और पक्का करने के बाद दोस्तों इसको भी सेम सिलाई मार लेंगे जो आपकी फिटिंग की होगी वैसे ही।
तो दोस्तों देखिए, आपने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब आप एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लें लूज टाइट के लिए। और दोस्तों लगाने के बाद ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है चाक और घेरा, आप इसे मोड़ लें, ये आपकी कमीज़ तैयार हो जाएगी। मैं आपको मोड़ के ये दिखाता हूँ। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको चाक और घेरा मोड़ना नहीं आता तो आई लिंक पे क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत आसानी से बताया कि चाक और घेरे को किस तरीके से मोड़ा जाए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी कमीज़ यहाँ बन चुकी है। हम चाक घेरा मोड़ने के बाद आपको इसकी फिनिशिंग दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी स्टैप वाली कुर्ती, जो आपको मैंने पूरी स्टिचिंग करके बता दी कि किस तरीके से आप इसे स्टिचिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कटिंग की वीडियो आपको बता चुका हूँ मैं शुरू में ही, कि अगर आपने ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके देख सकते हैं। और देखिए, ये वाला हिस्सा आपका फ्रंट है, ये हमने पक्का करके दिखाया था। ये आपको बिल्कुल कच्चे में बताइए मैंने कि किस तरीके से आप कच्चे में भी इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका तरीका है, जो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों कई लोग के ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे गुम करा तो आप बैक साइड में गुम कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने पट्टी को वैसे रखा था, ठीक है, शुरू में आप अगर गुम बनाना चाहते हैं तो यहाँ वाली पट्टी को भी इधर वैसे ही गुम रखेंगे और उसे पलट देंगे। सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक दो बार आप करेंगे आपको ईजी आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, इसके बाद हमारा जो गला था उसे भी नाप के देख लेते हैं। गला देखिए 7.5 था, ये हमारा 7.5 पूरा गला आ रहा है, आगे पीछे का 7.5 7.5। अगर आप डीप भी रखना चाहते हैं बैक का, तो आप इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। और दोस्तों ये फिटिंग के साथ आपकी बहुत अच्छी इसमें फिटिंग आएगी। और अगर आपके स्टेप इसमें अलग होते, ठीक है, तो ये आपकी और अच्छी दोस्तों यहाँ पे दिखती स्टेप अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें हमारी मैचिंग स्टेप है तो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी अलग होती तो क्लियर नज़र आता। आप यहाँ पर जो गला बना सकते हैं, गोल गला, सीधा स्वीट हार्ट गला, ये पूरा बना सकते हैं स्टैप वाली कुर्ती में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।